एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का भी ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीति सानिया पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की। वैसे हम बात करते थे एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, लेकिन अब हम बात करेंगे एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे, क्योंकि थोड़ा सा ये वीक में 3 वीडियोस शायद मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो बेहतर इससे ये होगा कि चाहे मैं आपके पास 2 वीडियोस ही वीक में डिलीवर कर पाऊँ, बट मैं टाइम से कर पाऊँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि मैं वीक में सिर्फ 2 वीडियो लेकर के आऊँगी बजाय 3 वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से विंटर हैक्स। जी हाँ, विंटर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि विंटर आ चुका है। तो कुछ हैक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। विंटर में हमारी स्किन नॉर्मली रफ़ एंड ड्राई दिखने लगती है, बट ये सिंपल से ट्रिक फॉलो करके, ये हैक फॉलो करके आपकी स्किन बहुत स्मूथ, ब्राइट और ग्लोइंग दिख सकती है। जी हाँ, मॉइस्चराइज तो बनी ही रहेगी। आप प्लीज़ इन हैक्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हैक नंबर 1 ये होने वाला है कि नॉर्मली हम अपनी स्किन को नहाने के बाद मॉइस्चराइज़ करते हैं, बट हमें क्या करना है कि हमें नहाने से आधा घंटा पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल। जी हाँ, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ नहाने से आधे घंटे पहले। तो इसको मैं लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो रफ़ होने वाली होती है साबुन की वजह से, हमारे फेस वॉश की वजह से, बॉडी जेल की वजह से, तो देखिए इससे क्या होगा कि जो भी हम जेल या बॉडी वॉश या फेस वॉश यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो रफ़ हो जाती है। तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। तो इससे हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट, सपल और बहुत ही ग्लोइंग लगने लगेगी। हैक नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं कि अगर आप अपने मॉइस्चराइज़र का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़ करिए। जी हाँ, वो हल्की गीली सूखी जो बॉडी होती है उस पर ही आपको अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो अभी आधी गीली आधी सूखी है, तो जो मॉइस्चराइज़र हम उसमें अप्लाई करेंगे तो वो उसमें अंदर तक समा जाएगा, तो बार बार से वो सूखा नहीं होगा और बार बार हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी हैंड क्रीम का यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, तो इस हैंड क्रीम को आपको 2 से 3 बार कम से कम यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके हाथ जो हैं वो सॉफ्ट और ग्लोइंग बने रहें। जी हाँ, तो इसके लिए आपको मार्केट जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हैंड क्रीम जो है वो हम अपने घर पे बनाने वाले हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। जी हाँ, आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और आप इसको कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल जो घर का होता है, प्लांट बेस्ड अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 1 वीक के लिए ही इसको बनाना होगा, क्योंकि 1 वीक बाद ये ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि हमने प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ किया है इस वजह से। वैसे प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल ही ज़्यादा बेहतर है मार्केट वाले एलोवेरा जेल से, बट उसमें क्या है कि हम मार्केट वाले को ज़्यादा टाइम तक बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, बट इसको हमें केवल वीक बाई वीक बैचेस बना के रखने होंगे, फिर से इसको बना के हमें अप्लाई करना होगा। डन। हैक नंबर 4 हमारा होने वाला है कि अगर आपके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, जेंट्स जैसे अगर आपके हाथ हो गए हैं, तो बिलीव मी गाइस, आप इस ट्रिक को, इस हैक को फॉलो करके देखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कोकोनट ऑयल और लेनी है वैसलीन। जी हाँ, इन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके अपने हाथों पर लगाना है। रात को लगा करके आप कोई ग्लव्स वगैरह इनको पहन सकते हैं, इनको बस हाथों को ढकना है अच्छे से, और आप फिर सो जाइए और सुबह आप अपने हाथों को देखिए कि कितने सॉफ्ट और ग्लोइंग। देखिए, हैक नंबर 5 हमारा होने वाला है कि आपको जो भी फेस वॉश या बॉडी जेल या सोप जो भी यूज़ करें, आपको देखना होगा कि पैराविनो सल्फेट फ्री होना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई होने वाली होती है, होने वाली क्या होती है, हो जाती है,
तो हमें जो है ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करनी है। हमें अपने जो फेस वॉश या जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसमें पैराबेन और सल्फेट ये दो जो केमिकल हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप होममेड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और कमाल का फेस वॉश है और आपकी स्किन को एकदम से साफ कर देता है, ग्लोइंग भी बनाता है। हैक नंबर 6 जो हमारा होने वाला है वो है कि सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल स्किन दिखने लगती है, हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, तो इस डेड सेल्स को हटाने के लिए हमें एक्सफोलिएशन ज़रूर करना चाहिए और जल्दी जल्दी करना चाहिए, जैसे वीक में एक या दो बार तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन पर डेड सेल्स ज़्यादा जमा हो जाते हैं बजाय गर्मियों के। तो एक्सफोलिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा शहद और कॉफ़ी, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थोड़ा एक चम्मच आपको लेना है कॉफ़ी, उसमें आधा चम्मच आपको मिलाना है हनी, आधा अगर थोड़ा कम लगे तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर इसको आप अपनी स्किन पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिएगा, लेकिन हल्के हाथ से, तो इससे आपकी डेड स्किन जो है वो हट जाएगी और आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हो जाते हैं वो भी हट जाएंगे। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई रियली होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो थोड़ा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो सके और भी सारे लोग इसका बहुत सारा बेनिफिट जो है वो ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।